अगर एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर अगर आपका हाइपरलिंक वर्क नहीं कर रहा है तो इनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है। वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उन सब को मैं वर्ड के अंदर करके दिखाऊंगा। जो हमारे स्टेप्स रहेंगे वो सब जगह सेम ही होने वाले हैं। तो हाइपरलिंक वर्क नहीं कर रहा है इसके लिए हमारा पहला रीज़न हो सकता है कि जो हमने हाइपरलिंक लगाया है उसके अंदर जो हमने एड्रेस टाइप किया है वो अपडेट हो गया हो, या एड्रेस को टाइप करते वक्त हमने उसको गलत टाइप कर दिया हो। तो ऐसे में सबसे पहले हम एड्रेस को अपडेट करके देख लेंगे। इसके बाद सेकंड सॉल्यूशन है, फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे ऑप्शंस और यहाँ पर हम प्रूफिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसके अंदर हमको चेक करना है यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक्स, ये ऑप्शन हमारा अनेबल होना चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन आपके में अनेबल नहीं है तो इसको आप अनेबल कर लेंगे। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, जो हम हाइपरलिंक के अंदर एड्रेस टाइप कर रहे हैं वही एड्रेस हमको शो हो रहा है, हाइपरलिंक हमारा क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शंस एंड एडवांस्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर हमको एक सेक्शन मिलेगा शो डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये ऑप्शन शो फील्ड कोड्स इंस्टेड ऑफ देयर वैल्यूज, ये ऑप्शन हमारा अनटिक होना चाहिए, इसको हम अनटिक करके डिसेबल कर लेंगे। ओके करते हुए इस सेटिंग को हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा हाइपरलिंक क्रिएट नहीं हो रहा था वो यहाँ पर अब शो होने लगा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक हमारा ओपन हो जाएगा।